खरगोन जिले के बीड़ बुजुर्ग गांव में तालाब में डूबने से दो मासूम छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। छात्रों की मौत से गांव में शोक छा गया। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बीड़ बुजुर्ग में तालाब में बारिश का पानी लबालब भरा है, जिसमें नहाने के दौरान छात्रों का पैर फिसलने से दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम स्कूल से छुट्टी के बाद दोनों छात्र 8 वर्षीय शिवम पिता कृष्ण बड़ोले और 7 वर्षीय छोटू पिता शाम तालाब की ओर बिना बताए चले गए थे। स्कूल से देर शाम 6 बजे तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों के ढूंढने के बाद दोनों तालाब में डूबे हुए मिले। पुलिस की सूचना पर ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाले गए। आज सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दादा, क्या घटना हो गई आपके गांव? अरे, ये बच्चे स्कूल से आए तो पानी आया तालाब में, तो देखने के लिए गए, पांव वाव खिसल गया। अच्छा, नहीं नहीं, नहाने थोड़ी, वो तो कपड़ों सही थे, अभी वो पीएम होगा नहीं, देखना नहीं। अच्छा। कपड़े पहने हुए हैं वो तो। अभी एक रोहन, एक रोहन एक और एक शिवम है, दो बच्चे, दो बच्चे, एक दूसरी पढ़ता था, एक चौथी पढ़ रहा है। पूरे गांव के लोग आए क्या? हाँ, ये पूरे गांव के लोग आए हैं पीएम के लिए। कैसे पता चला? अब वो बच्चे आए नहीं घर, शाम के टाइम 5:30 बजे तो ढूंढने के लिए निकलना ही पड़ा। परिवार वाले गए तो वहाँ चप्पल पड़े हुए दिखे, तो पानी में कूदे तो एक बच्चा लगा, एक को निकाल के फिर और चल फिर करी तो दूसरा बच्चा भी दिखाने था, और दूसरे बच्चे क्या खबर लगती, दोनों बच्चे से एक साथ थे, एक साथ। तलैया में क्या बारिश का पानी आ गया? हाँ, बारिश का पानी पहले आता था नहीं। हाँ, पानी भरा, अभी 5-7 साल से तो नहीं भराया था, वो पहली बार भरा, पहली बार भराया। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है शिवजी यादव। किस प्रकार की घटना हुई? ये बीड़ बुजुर्ग चौकी जेतापुर क्षेत्र अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर बच्चे स्कूल गए थे ऐसा बताया परिजन का, और रास्ते में एक तलैया है, तो संभवतः देखने गए या फिर नहाने गए, फिसलने से डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। अभी पीएम के लिए शव रखे हैं, पीएम कराएंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कैसे मृत्यु हुई उनकी। एक शिवम है और एक छोटू, नाम शिवम छोटू, दोनों साथ में ही थे। हाँ, साथ में ही थे दोनों। प्रारंभिक जांच में क्या लग रहा है? अभी डूबने से संभवतः मृत्यु लग रही है। अभी बरसात ज़्यादा हुई है, जगह जगह पानी का जल भराव ज़्यादा है, तो संभवतः डूबने से ही मृत्यु। क्या नाम लिखते हैं पूरा? प्रवीण आर्य, चौकी प्रभारी जेतापुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।